ये भगतजनों, हम आ गए हैं इधर बानगढ़ में, बानगढ़ भूतिया फोर्ट की तरफ जाते हुए। हमने यहाँ चाय के ढाबे पर मैंने अपना सामान रख दिया है और अब यहाँ से पैदल जाएंगे भूतिया बानगढ़ फोर्ट की तरफ। चलिए देखते हैं वहाँ का इतिहास क्या है, क्या वहाँ मैटर है, सच में भूत हैं भी के नहीं है। चलिए भगतजनों, भूतिया किले की तरफ जाते हुए हमने फोर्ट का शॉर्टकट लिया है। दोस्तों, मेन रास्ते से हम जाते तो ये हमें कम से कम 3-4 किलोमीटर पड़ता, हमें पैदल जाना था, इसलिए हमने शॉर्टकट लिया है। यहाँ से ये हमें 1.5 किलोमीटर ही पड़ेगा। दोस्तों, उधर एंट्री गेट है दोस्तों, और ये है चार दीवारी। चलिए चलिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक ये गेट है, ये बंद है। हम मेन गेट से चलेंगे और वो रहा सामने भूतिया किला जिसको बोलते हैं, देखो। चलिए मेन गेट से चलते हैं भगतजनों। ये देखो भाई दोस्तों, फोर्ट के बाहर ये माताजी गड़े में पानी रखे हुए है, पैसे नहीं लेती, फ्री में पिलाती है। कोई दे तो उसका भला, ना दे तो उसका भला, है ना माताजी। ये एंट्री गेट के अंदर बाबा बजरंगबली जी का मंदिर, और ये यहाँ से टिकट लेनी है 2023 में, इसकी टिकट 25 रुपये। दोस्तों चलिए चलते हैं, हम आ गए। ये है इस एरिया का, फोर्ट का पूरा नक्शा दोस्तों, ये देखो। और अब हम आगे बढ़ते हुए फोर्ट की तरफ, जो आपको घर मकान दिख रहे हैं ये सेम छोटी छोटी दुकानें टाइप दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ यहीं पर हैं, ना ही उधर कुछ है ना ही उसके उधर कुछ है। ये दिखने से तो ऐसे लगता है कि जैसे बाद में इनको बनाया गया हो, बट जो लोग यहाँ कहते हैं कि ये पुराना बाजार था उस समय का। क्या सच्चाई है मैं पता नहीं दोस्तों। ये देखो भाई, बरगद का पेड़, क्या कसम है। ये है भगतजनों जो किला है अंदर, ये उस किले की चारदीवारी है, और जो पीछे चारदीवारी थी वो ये जो भानगढ़ जो पहले शहर था पूरा, ये उसकी चारदीवारी थी। चलिए अंदर चलते हैं भाई। ये देखो दोस्तों मंदिर, ये किले के अंदर ही मंदिर है, इस चारदीवारी के अंदर। जैसे एक मंदिर ये है, एक मंदिर वो उधर है, और ये है वो भूतिया किला। चलो अभी उसके अंदर चलते हैं अभी। ये है वो ज़बरदस्त, ये देखियो कितनी अच्छी इसके ऊपर नक्काशी की गई है। चलिए अंदर से देखते हैं। ये देखोगे दोस्तों अंदर से, ये हवन कुंड था क्या, और ये अंदर से। अभी यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है किसी भी देवता की, खाली है। और यहाँ पे ये गणेश भगवान जी की प्रतिमा, ये देखो भी भगतजनों कितना खूबसूरत है, और कितनी बढ़िया इस पर नक्काशी की गई है। ये देखिए दोस्तों, उधर भी एक मंदिर है। चलिए मेन जो हम देखने आए हैं इस किले के बारे में जानकारी लेते हैं, कुछ पीछे भी ली है कुछ आगे लेंगे, और लास्ट में बताएंगे आपको इसका मेन रहस्य क्या है, ये भूतिया है कि नहीं है, सब क्या चीज़ें हैं। चलिए अब अंदर से देखते हैं। चलिए चलिए, ये देखिए भगवान, ये बाद में मरम्मत की इसकी, साफ दिख रहा है कि ये बाद में बना हुआ है, बाद में मेंटेनेंस किया इसका। चलिए ऊपर देखते हैं, अंदर ले जाएगा भी चमगादड़ है। ये देखो इसने सब खाली पड़ा है, चमगादड़ वमगादड़ है अंदर सब। चलिए ऊपर चलते हैं भगतजनों। ये देखो भाई सब टूटा पड़ा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है कोई ज़्यादा। चलिए ऊपर से देखते हैं। पहुंच गए हम टॉप पर,
ये देखिए भाई, यहाँ से दिखाता हूँ आपको इसका पूरा व्यू। ये देखो भाई दोस्तों, ये देखिए, ये जो ये सीमा है ये इस किले की है, और वो जो उधर से दिखाई दे रही है ये उस इस पूरी भानगढ़ जो अंदर गांव बसा हुआ था उसकी है। ये आपने पूरा भानगढ़ किला देखा दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम ही है। और सबसे मेन बात ये दोस्तों कि ये भूतिया तो बिल्कुल नहीं है, ये सब अफवाह है, बकवास है। कुछ लोगों के पूछने से पता चला कि यहाँ रात को रोने धोने या चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है, और मेरे प्यारे दोस्तों देखने से ही पता चल जाता है कि ये भूतिया है या नहीं है। और भाइयों, भूत के लिए क्या दिन और क्या रात। और कहते हैं इस किले का निर्माण राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था 1573 में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किले के बारे में, इस की अफवाह क्या है और सत्य क्या है। जैसे कुछ लोग अपनी वीडियो वायरल के चक्कर में कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें बकवास करते हैं, उनमें तीन चीज़ें सत्य हैं, राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंधिया, और तांत्रिक सिंधिया राजकुमारी पर मोहित था। अब इसमें अफवाह ये है दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि इत्र पर, और कुछ कहते हैं कि तेल पर तांत्रिक सिंधिया ने अपना काला जादू किया था, जिस कारण से राजकुमारी तांत्रिक की तरफ खींची चली आई। कहते हैं जैसे ही राजकुमारी को पता चला कि सिंधिया ने इस पर काला जादू किया है, तो राजकुमारी ने वह शीशी पत्थर पर फेंक दी। तो पत्थर जो काला जादू इत्र में या शीशी में था वो पत्थर पर चल गया। अब पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधिया के ऊपर जा गिरा, और जिससे तांत्रिक सिंधिया की मौत हो गई। कहते हैं मरते मरते तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दिया कि यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे और सभी इस किले में कैद रहेंगे। यह सब बकवास है दोस्तों। अगर तांत्रिक को श्राप देना होता तो राजकुमारी को देता या फिर राजा को देता, पूरे शहर को क्यों देता। अब ज़्यादा सत्य ये है कि सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती पर मोहित तो था, और वह उस पर काला जादू भी करना चाहता था, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। जब इस बात का पता राजकुमारी रत्नावती और राजा को पता चला कि तांत्रिक सिंधिया जादू करके राजकुमारी को पाना चाहता है, तो राजा ने तांत्रिक को मौत की सजा दी। उसी दौरान भानगढ़ के किले पर दूसरे राजा ने युद्ध कर दिया, जिसमें राजकुमारी समेत बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की मृत्यु हुई। तांत्रिक की मृत्यु और इतने लोगों की मौत के कारण इस किले में जो लोग बचे उन्होंने इस किले को अपवित्र मानकर छोड़ दिया और यहाँ से चले गए। और दोस्तों, कुछ अपवाद लोगों ने इस किले को अफवाहों का किला बना दिया, भूतिया किला बना दिया, और ये किला अफवाहों का शिकार हो गया। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें शामिल है। और दोस्तों, अगर आप इस किले को देखने आते हैं तो भूतिया मानकर मत देखने आना। यहाँ के मंदिरों का आप आर्किटेक्ट देखें, मंदिरों के निर्माण में चूना या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर खांचे बनाकर मंदिरों का या बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है और बहुत ही सुंदर यहाँ के मंदिर है। यहाँ का आर्किटेक्ट देखने आना दोस्तों, भूतिया मानकर बिल्कुल मत देखने आना। ये भूतिया नहीं है, अपनी जो धरोहर हैं उनको अफवाहों का शिकार मत बनाओ। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।